अब हम करने के लिए जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इजी टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी किसी स्टूडेंट को, और उम्मीद करता हूं आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे यहां पर मात खा जाते हैं और उनको ये क्वेश्चन देंगे तो वो बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन आप जानते हो कि वो बच्चे कहां से पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स इजी है, तो वो कभी भी गलत नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं और आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम, और स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर ये वो होता है जो हमें नहीं आता। लेकिन नहीं, डेफिनेशन ही होती है। देखो अभी मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर दूं, 100% क्लियर नहीं होगी, सिर्फ 20-40% ही समझ आएगी डेफिनेशन, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो और विदाउट प्रैक्टिकल, तो आपको चीजें समझने में देर होती है। मैं आपको साइकिल चलाने की पूरी थ्योरी दे देता हूं, ठीक है? पूरी इतनी मोटी बुक बना के साइकिल देता हूं चलाने, वो पूरी बुक कहता हूं कि पढ़ो, और जब आप पढ़ लो तो पूछो आगे साइकिल चलानी, तो क्या बोलोगे? नहीं सर, पहले हमें साइकिल दो, हम एक दो बार गिरेंगे तो ही सीखेंगे, बिना बुक पढ़े भी हम साइकिल अगर आप दे दो चलाने को, तो हम कुछ दिनों के अंदर चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन बुक पढ़ के साइकिल चलाने होगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक? उसी तरह से जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक डेफिनेशन यानी बुक समझ नहीं आएगी। तो पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, 40-20% की समझ आई तो क्लियर है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 100 अपने आप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। क्या एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़ो, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मीन जो होता है ना, एरिथमेटिक मीन, उसका स्क्वायर रूट निकालो, एरिथमेटिक मीन का स्क्वायर रूट निकालो, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एरिथमेटिक एवरेज, बोले तो मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब कितना चेंज आया दोनों वेरिएबल में, उसका भी स्क्वायर करो, उसको मेजर करो फ्रॉम मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई नो कि आपको नहीं समझ आया होगा पूरी तरह से, लेकिन वादा करता हूं अभी न्यूमेरिकल करेंगे सारी चीजें क्लियर होगी, और फिर दोबारा इसी डेफिनेशन पर आएंगे तो देखना आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे साथ, ठीक है? चलो अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जाते हैं तीन यहाँ पे। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज यूज बाई कार्ल पियर्सन इन द ईयर ऑफ 1893। कार्ल पियर्सन वॉज द प्रोफेसर जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, और फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको क्या किया, अप्लाई किया। कब किया? 1893 में। तो याद कर लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल पियर्सन ने दिया और 1893 में दिया, ठीक है? ये थोड़ा सा आपका जीके का क्वेश्चन बन जाता है। इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन एज इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लेड डाउन फॉर एन आइडियल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है वो हमारे कई सारे आइडियल, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिस्पर्शन वाले चैप्टर में कई सारे पॉइंट आपने देखा होगा, मीन डेविएशन है, रेंज है, इंटरकॉर्डल रेंज है, कई सारे मेजरमेंट है उसमें, लेकिन उसमें सबसे खास मेजरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है एल्जेब्रिक वो बहुत ही सटीक आता है, ठीक है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, और ये आधा ना बना हुआ है, मतलब ये इसका एक सिंबल है। मैं भी अपने क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को SD से नहीं लिखूंगा, मैं भी ये आधा ना बनाऊंगा तो समझ जाना कि इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता था, राइट? नाउ द पॉइंट इज, ये तो था थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नाउ मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सो यू नो वेरी वेल कि जब भी हम कोई भी चीज निकालते हैं हमारे पास तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अगेन फिर से रिपीट कर दूं कि इंडिविजुअल सीरीज में इसमें हमारे पास तीन मेथड होते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड को ही एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों में चार मेथड यूज किए जाते हैं, दोनों में चार मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देख रहे थे तो एक्स्ट्रा कौन सा आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड आ गया। यानी सर इसमें हमें इंडिविजुअल से तीन क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर डिस्क्रीट से हमें चार करने पड़ेंगे और कॉन्टिन्यूस से भी चार करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल 11 क्वेश्चन इसके अंदर करने, 11 क्वेश्चन, तब जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा होगा। लेकिन वादा है मेरा 11 के 11 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और कभी भी जिंदगी में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में दिक्कत नहीं आएगी, ये वादा है मेरा, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिविजुअल सीरीज में हम तीन मेथड यूज करते हैं अपने पास, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। मैं आपको तीनों मेथडों से आंसर निकाल के दिखाऊंगा, और याद रखना
क्योंकि क्वेश्चन तीनों में मैंने एक जैसा लिखा है, मेथड कोई भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, और अगर ना है तो समझ जाना मैंने गलत किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल मीन मेथड। एक्स में देखा है 3, 4, 6, 7, 10। सर आप स्टार्ट तो करा रहे हो लेकिन फॉर्मूला तो बता दो। हाँ दोस्तों, अभी मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ये ब्लू पेन से आपको फॉर्मूला लिख दूंगा। देखो सबसे पहली चीज की स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, आधा नाम। ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ये फॉर्मूला होता है आपका किस केस में, एक्चुअल मीन मेथड में। मतलब ये हमारा बेस फॉर्मूला, याद होना इसको, मुझे थोड़ा सा नीचे लिख लेना चाहिए था। चलो अभी मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे टोटल भी करना पड़ेगा, इसलिए समझाया। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा सर, ये जो स्मॉल एक्स है ये यही वाला है? नहीं, ये कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है। सर कैसे निकालेंगे स्मॉल एक्स? स्मॉल एक्स को निकालने का तरीका होता है एक्स में से मीन को माइनस कर दो। ये जो स्मॉल एक्स है ना, ये वाले स्मॉल एक्स आप जो देख पा रहे हो, ये स्मॉल एक्स को निकालने का तरीका है एक्स में से मीन की वैल्यू को माइनस कर दो। ओ माई गॉड सर, इसमें आपको मीन निकालना पड़ेगा? हाँ सर, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन, आप तो मीन बता रहे हो। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन को ही खोला जाता है, उसके डेविएशन को चेक किया जाता है, इसलिए आपको मीन का आना जरूरी है। अगर आपको मीन नहीं आता तो पहले वीडियो लेक्चर नंबर 21 पर जाओ, वहां मैंने मीन को पूरा क्लासिफाई करके अच्छे अच्छे से समझाया, उसके बाद इस वीडियो पर आओगे तो आपको चीज समझ आएंगी, और अगर आपने कर रखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए मीन निकालते हैं। सबसे पहले काम हमारा मीन निकालना। अब हम जानते हैं कि मीन हमारा वर्किंग नोट में निकलेगा, तो हम नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे लाइक वर्किंग नोट नंबर 1, और हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन को शॉर्ट में एक्स बार भी बोलते हैं। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स। अब आप इसका टोटल कर लो, जब आप इसका टोटल करोगे तो 3, 4, 7, 21, 20 और 10, 30, ये 30 आ गया। 30 डिवाइडेड बाय एन, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आ गया, यानी ये मीन आ गया 6, यानी x में से 6 को माइनस करना है। बताओ 3 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे आंसर विल बी -3, 4 में से 6 माइनस करेंगे आंसर विल बी -2, 6 में से 6 माइनस करेंगे आंसर विल बी 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे पॉजिटिव का 1, 10 में से 6 माइनस करेंगे पॉजिटिव का 4, राइट। अब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। स्टेप अपने आप बन जाएंगे अगर फॉर्मूला आपको आता हुआ तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि ऊपर जो है जगह की कमी पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूले को हम नीचे खिसका देते हैं, मुझे पहले ही लग रहा था कि फॉर्मूला मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है, तो फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे एक बार फिर से दोबारा, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। हमने एक्स निकाल लिया, अब उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बताओ माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इन सब का सम कर देंगे 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 16 30, ये 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम, सिग्मा एक्स स्क्वायर 30 अपॉन में एन, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो कितना आ गया 5, 6 या 30, अंडर रूट 6, ये आपका आ जाएगा, अंडर रूट निकालोगे तो 2.45, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो क्लियर बा? तो इसका मतलब सर ये कि जब हम डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे तो भी हमारा सेम आना चाहिए। हाँ दोस्तों बिल्कुल सेम आना चाहिए, अगर डिफरेंट आ रहा है तो ये गलत है या ये वाला गलत है। ठीक है, तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट मेथड की ओर। सर डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने यहां पर हमें ये फॉर्मूला बताया, इसी तरीके से क्या सेम फॉर्मूला लगता है? सेम लगता है लेकिन रूप चेंज हो जाता है। सर रूप चेंज होता है मतलब, आजकल हमने बाकी अपने रिलेशनशिप में तो रंग बदलते देखा लेकिन इसमें भी रंग बदलता है। दोस्तों रंग कौन ही बदलता है बताओ, ठीक है मुझे छोड़ के। ठीक है चलो ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा एक बात बताऊं, मैं फॉर्मूले डेरिवेशन बताता हूं अभी आपको। मान लो मैं यही वाला फॉर्मूला लिखता हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, क्या इसको मैं एक्स माइनस मीन बोल सकता हूं? एक्स स्क्वायर ही सिर्फ एक्स को, क्या मैं सिर्फ एक्स को एक्स माइनस मीन बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक्स की जगह मैंने लिख दिया एक्स माइनस मीन और फिर स्क्वायर, तो था और ये स्क्वायर दोनों के साथ है, ये स्क्वायर दोनों के साथ है, तो यानी ये बड़े वाले एक्स का भी स्क्वायर है और ये मीन का भी स्क्वायर है। तो अब इनको अलग अलग कर दो, एक ही स्क्वायर को अलग अलग लिख दो। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर
और माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया, बस यही फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, डायरेक्ट मेथड का। ओ माय गॉड सर, मतलब यही चीज थोड़ा सा घुमा के कर दिया। एक बार तो स्मॉल एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, यही तो हुआ और यही हमारा फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट लगा दिया तो आपको लगा अरे भाई फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, पता नहीं कितने सारे हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं टफ है, मुझे लगता है ये उन्हीं के लिए टफ होगा, हम लोग के लिए बहुत ईजी है। चलो फॉर्मूले वाली पुट करते हैं। सर इसमें ना कैपिटल एक्स स्क्वायर है तो क्या मीन निकालेंगे? नो, इसमें पहले एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो। 3 3 9, 4 4 16, 6 6 36, 7 7 49 और 10 का स्क्वायर 100। फिर साथ में क्या निकालना है? मीन, और मीन हम पहले ही निकाल चुके हैं 6, तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे होते तो हम दोबारा निकाल भी लेते, लेकिन अब पता है हमें 6 है तो 6 है बस, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसका सम कर दो, इन सबको जोड़ दो, तो 9 9 और 9 18, 18 और 12 13, 0, 3 3 6 10 12 120। तो लो अब वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट में 120 अपॉन में n, 1 2 3 4 5 माइनस मीन कितना था 6 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा, अंडर रूट में 60 माइनस 6 6 36, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, गलत हो गया है, सम सही है हमारा 120, ये भी सही है, एन हमारा 5 है, 5, अरे हाँ ये डिवाइड गलत किया ना, वही तो मैं कह रहा था कुछ गलत लग रहा है मुझे, 5 2 10, 5 4 5 2 10, ये भी सही है, 5 4 20 सही है, 6 6 आपका 36 आ गया, और आपकी ये वैल्यू तो फिर माइनस में आ रही है, और यहाँ पे हमें क्या करना था, माइनस करना है। मैं थोड़ी कैलकुलेशन देख लेता हूँ क्योंकि मैं आपके पास कैलकुलेशन जो है ना, 210 डिवाइड बाई 210, सम 210 आ रहा है क्या इसका, मीन का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 9 16 36 7 49 और 10 का स्क्वायर 100, 210। एक मिनट, सम गलत हो गया लग रहा है, ये इतना क्या, 2 3 2 5 6 7 8 9 10, यार ये लग रहा है सम हमसे गलत हो गया है। हाँ ठीक है, सम गलत हो गया है, तभी मेरे को आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, सम हमसे जो है वो गलत हो गया है, इसका जो सम आएगा ना वो 210 आएगा, 210, ये देखो यहाँ पे 210 आएगा, 210 से अगर हम माइनस करेंगे तो 5 4 20, 5 2 10, 42 माइनस 36, ये आपका आ जाएगा 42 ही आएगा ना, 5 4 20, 5 2 जा, और 4 और 6, हाँ ठीक है, अंडर रूट 6 आ गया, आंसर विल बी 2.45, ये आधा ना आ गया, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। थोड़ा दोस्तों मेरी कंफ्यूजन हो गई प्लस में, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना, ये मुझसे हो गई है बट आप मत करना, मैं चाहता तो वीडियो को मतलब बंद करके मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता, लेकिन जो चीज है नेचुरली अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये गलती आप मत करना, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हमारा आ गया शॉर्टकट मेथड। अब दोस्तों शॉर्टकट मेथड में हम क्या करने वाले वो देखो, शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देखो आप जरा, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। बोलो ये बताइए आपको समझ में, अब सर ये d का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। देखो d का मतलब आपको पता ही, जब आपने मीन चैप्टर किया था याद है, d का मतलब क्या होता था, x माइनस a, अरे हाँ सर याद आ गया, a फॉर एज्यूम, दैट्स ग्रेट, अब आप समझ गए, हमने a को एज्यूम कर लिया 6, ठीक है। सर हम कोई भी चीज एज्यूम कर सकते हैं, हाँ 3 भी कर सकते हो, 4 भी, 10 भी, कोई भी चीज कर सकते हो, बट बीच वाले करने से क्या होता है कैलकुलेशन कम हो जाती है, प्लस माइनस इजी हो जाता है आपके लिए, इसलिए मैंने बीच वाला किया है। तो सर डी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला x माइनस a, a हमने एज्यूम कर लिया 3 में से 6 के माइनस का 3, 4 में से 6 के माइनस का 2, 6 में से 6 किया 0, 7 में से 6 किया 1, 10 में से 6 किया 4। अब क्योंकि क्वेश्चन में d का स्क्वायर भी दे रखा है तो हम इसका स्क्वायर भी निकाल लेंगे, 9 4 0 1 16, इसको सम अप कर देंगे ये आपका रहेगा 30, और इसको भी अगर हम सम कर देंगे तो ये आपका रहेगा 0। तो अब यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो,
सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का सम 30, एन कितना है 5, सिग्मा डी, सिग्मा डी को अगर आप करोगे 0, 0 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर करोगे आंसर 0 आएगा, तो 30 डिवाइड बाई 5 बच गया आपके पास, तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना होता है अंडर रूट 6, और आप जानते हो ये कितना आएगा 2.45। आप तीनों मेथडों से देख लो आपके आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो गाइस दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज इन केस ऑफ एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आपको ये फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद कर लेना है, इसका ये चीजें कंप्लीट हो गई, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं अपने 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 पास डिस्क्रीट सीरीज की। दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, चार मेथड होते हैं आपके, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हम चारों मेथड पे एक ही क्वेश्चन करेंगे और चारों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, और मेथड भी चारों कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें एक्स और एफ दे रखा है। आप जानते हो डिस्क्रीट सीरीज में गैपिंग नहीं होती, सिर्फ एक्स और एफ गिवन होता है। 2, 4, 6, 8 फ्रीक्वेंसी है 3, 1, 4, 2 और आपको इसमें निकाल के दिखाना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चारों मेथड है, हम चारों मेथड से अपने पास क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर सबसे पहले तो आप हमें फॉर्मूला बता दो जरा कि क्या फॉर्मूला होता है इसमें। अच्छा सर क्या फॉर्मूले इसके अलग है जो हमने अभी पीछे किया डिस्क्रीट सीरीज उससे अलग है? नहीं, डिस्क्रीट जो हमने इंटीग्रल सीरीज के क्वेश्चन किए सेम वही फॉर्मूले, थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है और क्या है, दोनों चीजें बताऊंगा। पहले तो आप एक बात बताओ, कॉपी पलटो और उसमें इंटीग्रल सीरीज में मुझे देखकर बताओ एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने। अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर हमने अपने पास जो फॉर्मूला लगाया था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। बताओ यही था फॉर्मूला, चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया, चेक करो। हाँ सर जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बताओ ये किसका था, इंटीग्रल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का था ना, वो अज्यूम्ड मीन मेथड का था ना, बिल्कुल सर। अब इसमें क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज आ गई तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई में एफ कर दो, बस बात खत्म। अरे सर क्या बात है, मतलब एक फॉर्मूला याद कर लिया बाकी में एफ लगा देंगे कम हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी गलती मत कर देना, मैं आपको लेते हुए चल रहा हूं, वैसे वैसे करो। ठीक है सर, स्टेप्स का कैसे पता चले कि हम अगला स्टेप क्या निकाले फिर अगला क्या निकाले? आपको अगर फॉर्मूला याद है तो स्टेप्स अपने आप निकल आएंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो ये बताओ स्मॉल एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है यहां पर, चलो बताओ एक्स स्क्वायर का यहां पर मतलब क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर का जो मतलब है वो पेन भी ना ऐसे से गिर जाते हैं। हाँ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस मीन, ओ दैट्स ग्रेट। तो इसमें मीन निकालना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं मीन निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि इस केस में जो मीन को निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा के 3, 2, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 24, 8, 2, 16, इसको सम अप कर देंगे 6, 4, 10 और 30, 40, 50, 50 और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो है 3, 4, 8, 10, तो 50 अपॉन में 10 मीन आ गया 5। अब हम एक्स में से मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल एक्स आ जाएगा। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह की कमी है, आप समझो मैंने एक्स कैसे निकाला, एक्स माइनस मीन करके निकाला है। अब देखो x ये रहा, मीन ये रहा, 2 में से 5 गए माइनस का 3, 4 में से 5 गए माइनस का 1, 6 में से 5 गया पॉजिटिव 1, 8 में से 5 गया पॉजिटिव 3। अब हमने x निकाल लिया, क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। अब यहां पर मिस्टेक होती है, ध्यान से सुनो क्या मिस्टेक होती है, ध्यान से प्लीज थोड़ी देर मेरी कॉपी पेन रोक दो, प्लीज प्लीज हमारे रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए रोक दो, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर है, हमारे मन में है कि भाई f को पहले x से मल्टीप्लाई करा दो, जो अगला स्टेप है f को स्मॉल x से मल्टीप्लाई करा दो फिर उसका होल स्क्वायर निकाल लो। दोस्तों गलत है, होल स्क्वायर होता तो ब्रैकेट लगता, यहां पे क्या लगा है एफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पहले आप एक्स स्क्वायर निकालो फिर उसको मल्टीप्लाई करा दो f से, दिस इज इक्वल टू दिस, बात समझ लो। ये गलती होती है, हम क्या करते हैं एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर उसका होल स्क्वायर निकालते हैं, नहीं आपको एक्स स्क्वायर निकालना है फिर आपको एफ से उसे मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप याद रखना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे याद रखना, कोई ट्रिक है इसकी? हाँ ट्रिक है। अच्छा ट्रिक, मेरा नाम क्या, चलो बताओ सर ऐसे कैसे, हम आपका नाम थोड़ी भूले, शिवम, मेरा नाम शिवम है, कहां से स्टार्ट होता है एस से और खत्म कहां से होता है एम से, एस का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान देना, एस का मतलब होता है स्क्वायर,
स्क्वायर पहले आ रहा है ना, मतलब शिवम एस पहले आ रहा है स्क्वायर, तो पहले हम एक्सर क्या करेंगे स्क्वायर, फिर एम लास्ट में आ रहा है, एम बोले तो मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे एफ सी ओ से मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या बात है, मतलब अपने नाम से ट्रिक बना ले। हाँ जब मैं 11th क्लास में था ना तो मैंने भी ऐसी ट्रिक बनाई थी, वही मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो शिवम में एस पहले आता है, याद करना तुम्हारे सर का नाम क्या है शिवम, शिवम में एस पहले आता है, स्क्वायर पहले हुआ, एम बाद में आता है, मल्टीप्लाई बाद में होगा, तो पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे एफ सी ओ से मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर करें। ठीक है बोलो तो नहीं बात। चलो तो अब हम क्या करते हैं x का स्क्वायर करते हैं, 3 3 9 1 1 1 1 1 1 3 3 9, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं fx स्क्वायर से, ये रहा f और ये रहा x स्क्वायर, 3 9 27 4 1 1 1 4 1 4 9 2 18। चलो अब इसको ऐड कर लो तो ये आपका आ जाएगा 28 28 और 4 32 32 और 18 50 50। फिर से काउंट करूं एक बार, 5 7 10 12 12 और 8 8 4 12 12 और 8 20 2 2 4 5। ठीक है बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 50 और एन कितना आ गया फ्रीक्वेंसी का सम, काउंटिंग मत करने लगना फ्रीक्वेंसी का सम आता है यहाँ पर। ठीक है इसके बाद ये अंडर रूट का कितना आ गया, अंडर रूट आपका 5 आ गया, 5 का अंडर रूट अगर आप करते हो तो ये 2.236, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब सर हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में क्योंकि आपने क्वेश्चन सेम लिया, हर मेथड के अंदर आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ना है तो समझ जाना मैंने कुछ गलती की है। ठीक है चलिए ये था आपका एक्चुअल मीन मेथड। अब हम बात करते हैं अपने पास डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला जान लो। अच्छा पहले दोबारा कॉपी पीछे ले जाओ, इंटरनल सीरीज में देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सेम वही लिखूंगा मैं। ठीक है चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन, मीन का भी स्क्वायर, ये था सर फॉर्मूला, चेक करो यही था ना। हाँ सर यही था। अब एक काम करो क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो बस मल्टीप्लाई क्या कर दो एफ कर दो, हुआ ना जादू। कहा था ना स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा कंप्लीट करूंगा क्योंकि शिवजी का आशीर्वाद है और बहुत ही इजी टॉपिक है ये पूरे स्टैट्स के अंदर, याद रखना। ठीक है चलो अब हम बात करते हैं, सर क्या इसमें स्मॉल एक्स है, नहीं नहीं कैपिटल एक्स है, तो इसलिए आप कैपिटल एक्स का पहले क्या निकाल लो स्क्वायर निकाल लो। अगेन वही चीज, आप गलती मत कर देना एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, कभी आप एफ को पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका होल स्क्वायर ले लो, नहीं याद करो शिवम एस पहले स्क्वायर निकालो एम मल्टीप्लाई बाद में। ठीक है तो स्क्वायर निकालो, देखो शिवम एस, एस बोले तो स्क्वायर, चलो एक्स का स्क्वायर 4 16 36 64। इसके बाद f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें पता है हमें अगला स्टेप क्या चाहिए, fx स्क्वायर चाहिए। ठीक है होल स्क्वायर नहीं fx स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको करेंगे, या आपका रहेगा 3 4 12 16 1 16 36 मल्टीप्लाई 4 144 64 मल्टीप्लाई 2 128। अगर हम इसको सम करेंगे तो 12 16 300, ये लो 300 आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम तो आपको पता ही है जो कि पीछे भी था 10। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये लो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 300, एन कितना आ गया 10 फ्रीक्वेंसी का सम, और मीन, मीन अभी हमने यहां निकाला था 5 आ रहा था, तो 5 का क्या ले लो होल स्क्वायर ले लो, इसको इससे काट देंगे 30 माइनस 5 5 25, अंडर रूट का 5 आ गया और अभी हमने अंडर रूट की वैल्यू निकाली थी 2.236। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, देख लो दोनों से आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं सर, मजा आ गया। अब बचे दो मेथड, सर बहुत सारे फॉर्मूले, सर हम थक गए, थकना मना है। अगर आप वाकई में 100 लोग भाग रहे हैं और 95 एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं और 5% अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, याद ना गधे जितने भी होते हैं वो सब झुंड में दौड़ते हैं, शेर अकेला चलता है। आप वो 5% लोगों जो 90 प्लस लेकर आओगे स्टेट्स के अंदर, लेकिन वो तब होगा जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करोगे, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यही है, थकना मना है, उठ जाओ थोड़ी देर के लिए और करना शुरू करो। एक बार कर लोगे एनर्जेटिक हो जाओगे, लाइफ में हर जगह आप आगे जाओगे, और एक बार डाउन हो गए बैठ गए तो वहीं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए मेरे साथ, तो अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप बताओ, कॉफी पीछे करो और देखो देखो कि वहां पर मैंने क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो सर आपने ना फॉर्मूला जो लिखवाया था वो ये था कि सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ये लिखवाया था आपने, यही था ना। अब सिर्फ एफ लगा दो, ये लो बस, ये किसका बन गया आपका
डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड बन गया। यानी सर चीजें वही हैं, हम तो खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं ये बोल के फॉर्मूले 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 और क्या, आप ही लोग कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूं। चलो अब बात करते हैं डी, डी कैसे निकालते हैं। चलो आप लोगों को पता है डी कैसे निकालते हैं? यस सर, हमने मीन में भी सिखाया था, थोड़ी देर पहले अपने इंडिविजुअल सीरीज में भी सिखाया था। डी का होता है एक्स माइनस ए, एज्यूम करते हैं। दोस्तों एज्यूम किस में से करते हो, फ्रीक्वेंसी से या एक्स से? सर एक्स से करते हैं। अब हम पागल नहीं बनेंगे, एक्स में से कौन सी वैल्यू, बीच वाली या नीचे वाली? सर कोई सी भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। एग्जैक्टली आप बहुत सही जा रहे हो। तो हम कौन सी एज्यूम कर रहे हैं, कोई सी भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा चलो फोर कर लेता हूँ, मेरी मर्जी थोड़ी देर के लिए। चलो x माइनस ए, डी कैसे निकाला हमने, x माइनस ए ऊपर लिखो, x माइनस ए। चलो 2 में से 4 गए तो माइनस 2, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4। अब हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर। सर एफ डी होल स्क्वायर है तो नो, मैंने क्या बोला, शिवम स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 0, 2 2 4 4 4 16। अब हम f को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो f ये रहा, d स्क्वायर ये रहा, 3 4 12, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। सर यहाँ पर एफ डी का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर ऐसे होता है, ये देखो फॉर्मूले में लिखा है होल स्क्वायर ऐसे होता है ना कि ऐसे होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डी और निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर एफ डी, क्योंकि देखो एफ डी का सम करके उसका होल स्क्वायर करना है, इसलिए निकालेंगे, ठीक है। एफ ये रहा और डी ये रहा, 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो 6, 1 और 0 करोगे 0, 4 और 2 को करोगे 8, 4 और 2 को करोगे 8। अब हम इसका सम कर लेते हैं दोनों का, तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 16, ये 10 आ जाएगा क्योंकि माइनस का भी है, और ये आपका रहेगा 6 और 4 10, 3 दो 5 और 1 6 60, फ्रीक्वेंसी का सम तो है ही 10। लो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 60, एन कितना है हमारा 10, माइनस एफ डी कितना है हमारे पास 10, अपॉन में 10 क्योंकि एन भी हमारे पास 10 है का होल स्क्वायर, ये करोगे 6 आ जाएगा माइनस। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, अरे सर ये तो वही आ गया नरूट 5, वैल्यू आ जाएगी 2.236। लो मैंने तो आपको बोला था हर जगह हर स्टेप के अंदर आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। सर अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या बोलोगे, कॉपी पीछे पलटो, इंडिविजुअल सीरीज में तो स्टेप डेविएशन मेथड होता ही नहीं था, तो हम कॉपी पलट ही नहीं सकते, तो बोला किसने, मैंने तो नहीं बोला, करो मैंने तो इन तीनों में बोला, वो तो आप अपने आप ही करने लगे पीछे, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा इनफ इतना सा, ठीक है। आज एकदम से बच्चे होते हैं ना, उनको रोकना पड़ता है एकदम से, वैसे ही आप लोगों के साथ करना पड़ता है कभी कभी मुझे, आ जाओ। चलो स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला चेप देंगे, अरे सर चेप देंगे, चेप दे, थोड़ा सा चेंज भी करेंगे यार, अपना भी माल जोड़ेंगे ना, माल पानी उसमें। चलो पहले फॉर्मूला चेपते हैं अच्छे से। सर चेपना क्या क्या बातें करते रहते हो आप भी, ये लो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि रूट का साइन आ जाए। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा जानते हो, याद करो मीन में हमने स्टेप डिवीजन मेथड में डैश लगाया था, सर याद आ गया, तो हम डी डैश स्क्वायर लेंगे और यहां भी डी डैश और इनटू में लगा देंगे सी, सी मतलब क्लास इंटरवल, सी याद होना सी के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सी अंडर रूट से बाहर है, मेरे पास जगह कम है हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो सी अंडर रूट से क्या है बाहर है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, वही नॉर्मली हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस ए कोई ना कोई चीज एज्यूम करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया 4, तो 2 में से 4 गए माइनस 2 0 2 और ये पॉजिटिव का 4, इसके बाद हम डी का स्क्वायर निकालेंगे 4 0 4 और 16, फिर हम एफ डी का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 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 हमें तो डी डैश निकालना था ना पहले, ये गलती हो गई, देखो हमें क्या निकालना है, डी डैश निकालना है, क्योंकि देखो डी डैश लिखा हुआ है ना फिर उसका स्क्वायर करना है, तो पहले डी डैश निकाल लेते हैं। सर डी डैश कैसे निकालते हैं, डी डैश को निकालना फॉलो होता था एक्स माइनस ए अपॉन में सी, एक्स माइनस ए अपॉन में सी, अब एक्स माइनस ए को हम डी भी बोल सकते हैं, तो डी अपॉन में सी, सी का मतलब गैप, गैप कितना है दो दो का है, तो डी ए रहा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 0, 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 2 2, ठीक है। अब हम एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4 थोड़ी आएगा 4 4 8 5, ठीक है। तो समझ आया, 8 में से 3 गए तो 5, और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी निकालना है हमें, एफ डी निकालना है, सॉरी एफ डी डैश ये रहा ना, एफ डी डैश, तो एफ ये रहा और डी डैश ये रहा, मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 3
तो अभी हमने FD का ही तो कराया था, अब हम FD डैश स्क्वायर करवाएंगे, FD डैश स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने D डैश निकाल लिया और D डैश का स्क्वायर तो अभी किया ही नहीं ना, तो पहले तो हम D डैश का स्क्वायर करेंगे, D डैश का स्क्वायर भी निकालना होगा भाई हमें, D डैश का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब हम अगला स्टेप लेंगे एफ डी डैश का स्क्वायर, यानी कि एफ डी डैश का स्क्वायर कहां है ये, एफ ये रहा और डी डैश ये रहा, स्क्वायर कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, और इसका सम ले लो। अब हमें सम किस किस का चाहिए, एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए और एफ डी डैश का होल स्क्वायर का सम चाहिए, तो एफ डी डैश, एफ डी डैश का ये तो सम हो गया हमारा, और एफ डी डैश स्क्वायर का सम हो गया हमारा 4 × 3 = 7, 7 × 4 = 15, ये हो गया, और एफ का सम है 10, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपका, सिग्मा एफ डी डैश का है 15 अपॉन में 10 माइनस, और ये आपका 5 अपॉन में 10 का स्क्वायर इंटू में सी, इसको कर दो 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1.5 इंटू में, अभी 1 बाई 2 है 0.5, 0.5 का अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, 0.25, और C कितना है हमारा, C गैप कितने का है, दो दो का गैप है, अंडर रूट कर लेना, ये आपका पूरा आंसर, ये मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको अंडर रूट निकाल के 2 करोगे, तो फाइनली आंसर आपका 2.236 ही आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, सही आएगा, देख लेना आप खुद भी निकालोगे तो भी यही आएगा। तो हमने अपने पास डिस्क्रीट सीरीज में चारों मेथड कर लिए और चारों मेथड से हमने देखा आंसर क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्क्रीट सीरीज, तो इसके बाद अब हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज, लेकिन लेकिन पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो फिर करेंगे कंटिन्यू सीरीज, वीडियो को पॉज कर लो। तो अब हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज के चारों मेथड, जिसमें हम करेंगे एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट स्टेप डिवीजन मेथड, इसके बाद फिर हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जैसे हम ये चार क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्चुअल मीन मेथड से, एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 4, 1। सर क्या इसमें फॉर्मूले चेंज हो गए, दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है फॉर्मूले में, जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूले लिखे हैं चारों सेम फॉर्मूले यहां भी अप्लाई होंगे, देयर इज नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पे थोड़ा एक माइनर सा चेंज आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए अब सर सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला सेम वही है जो हमने पीछे किया था डिस्क्रीट सीरीज में, ये लो सर कोई चेंज नहीं इसमें, नहीं इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है, आप जानते हो स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं, बताओ एक्स माइनस मीन, मीन निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, बताओ जिन लोगों ने मीन वाली क्लास देखी 21 वो लोग जानते हैं कि मीन को कैसे निकालते हैं कंटिन्यू सीरीज में, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम वी अपॉन में सिग्मा एफ, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं क्योंकि टोटलिंग भी करनी है यहाँ पर, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम वी अपॉन में सिग्मा एफ, तो हम पहले तो मिड वैल्यू निकालेंगे, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू, 0 + 10 / 2 = 5, या रहेगा 15, या रहेगा 25, या रहेगा 35, फिर एफ एम वी से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 × 2 = 10, 15, 15, 30, 45, या रहेगा 100 और या रहेगा 35। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको सम कर देंगे एफ एम वी का सम, यानी कि 5 × 5 = 10, 4 × 4 = 8 और 9 = 190, 190 / फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 3 × 2 = 5 और 10, ये लो 10, यानी मीन आ गया हमारे पास 19। अब हम निकाल लेंगे x, x का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस मीन, यानी कि अब हम x किसको मानेंगे, मिड वैल्यू को मानेंगे, 5 में से 19 गए तो माइनस का 14, 15 में से 19 गए तो माइनस का 4, 25 में से 19 गए तो 6 पॉजिटिव का, 35 में से 19 गए तो 16, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x x का स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि शिवम s स्क्वायर वाले मल्टीप्लाई बाद में, फॉर्मूले को थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा भी, वो भी हम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 196, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 36, सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। इसका फिर हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, वैसे सम की अभी हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो एफ एक्स स्क्वायर का सम चाहिए ना,
अब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, 2 मल्टीप्लाई 196 ये रहेगा आपका 392, 3 मल्टीप्लाई 16 ये रहेगा आपका 48, 4 मल्टीप्लाई 36 ये आपका रहेगा 144 और 1 मल्टीप्लाई 256 ये आपका रहेगा 256, सम करेंगे आपका रहेगा 840, 840 अंडर स्क्वायर में 840 डिवाइडेड बाय 10 ये अंडर रूट में रहेगा 84 और अब हम अगर 84 का अंडर रूट निकालें तो ये आपका रहेगा 9.1165 आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। अब हम मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट मेथड की ओर। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि हमने डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला लगाया था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर, यही लगाया था। अब यहाँ पर कैपिटल एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स नहीं होगा बल्कि मिड वैल्यू होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स सिंगल वेरिएबल नहीं दे रखा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू वही आ जाएगा 5, 15, 25 और 35। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिड वैल्यू को ही एक्स मानेंगे, मतलब मैं चाहूं तो मिड वैल्यू को एक्स लिख सकता हूं, देयर इज नो कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। मिड वैल्यू को ही हमने क्या बोलता है, एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 125, 25 का स्क्वायर 625, अच्छा नहीं ये तो 225 होता है, 625 और 35 को सॉरी 35 का स्क्वायर करेंगे ये रहेगा 1225। अच्छा सर आप इतनी जल्दी स्क्वायर कैसे कर पा रहे हो, तो कुछ चीजें होती हैं जो आप बार बार क्वेश्चन करके आपको लर्न भी हो जाती है और कुछ वैदिक मैथ्स वगैरह भी होती हैं, उसकी खैर जरूरत नहीं है, आप लोग तो यहाँ सीधा आओ। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में x के स्क्वायर का क्या है, सम है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो इसमें हम सॉरी कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो f को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब हमारा अगला स्टेप बन जाता है f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना, 25 × 50 225 × 3 625 और 4 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500, इसके बाद 1 को करेंगे 1225, इसको सम कर देंगे 50 + 625 2500 + 11225, तो इसको सम करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं, 5 × 5 = 10 5 × 7 = 10 6 × 12 = 13 14 4400 और मीन तो हमने यहाँ निकाल ही लिया था जो कि है कितना 19, तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये 4400 डिवाइडेड बाय एन है आपका 10 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना आपका 19 का स्क्वायर, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो ये आपका रहेगा 440 और 19 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 19 का स्क्वायर कितना रहेगा, यहाँ करके देख लेते हैं 19 और 19 9 9 = 81 9 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
माइनस 361 ये मिनट कुछ गलत किया मैंने 9981 9989 8 16 17 और ये 19 आ गया 361 ऊपर प्लस सही क्या है एफ एक्स स्क्वायर प्लस में हो सकता है कुछ एरर हो गई हो तो मैं एक काम करता हूँ जरा एरर को मैं चेक कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर से तब तक आप लोग भी थोड़ा सा देख लो कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है हाँ कैलकुलेशन एरर ही है 50675 अरे यार यही तो गलती होगी मुझसे वो क्या गलती होगी वो देखो ये ना 675 है मैं गलती से 625 लिख गया तो अगर ये 6 ये 5 और 5 10 फिर आपका रहेगा 8 2 10 3 13 13 13 14 15 1 8 9 10 11 3150 3150 भी नहीं 4450 कैलकुलेशन में थोड़ी एरर हो रही है 4450 आ जाएगा अब हम 4450 को 4450 को डिवाइड करेंगे तो ये 445 आ जाएगा माइनस 361 तो 445 को 361 से करेंगे 4 और 84 आ जाएगा और 84 का जब हमने यहाँ पर किया था तो ये 9.615 आया था अगेन हमारा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आ रहा है सेम आ रहा है बोलो समझ आई आपको बात यहाँ तक ये कैलकुलेशन मैं रख कर देता हूँ तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी होगी अब हम क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट मेथड में सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमने अपने पास किसमें लगाया था डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था और वो क्या लगाया था आपको याद है हमने फॉर्मूला लगाया था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन में एन
सिग्मा, सॉरी यहाँ पे तो आपका डी का सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ये आता था फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, डी डी को निकालने के लिए पहले क्या निकालू, मिड वैल्यू निकालू, मिड वैल्यू एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय टू, तो ये हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद डी निकालेंगे, फॉर्मूला था एक्स माइनस ए, हम एज्यूम मिड वैल्यू से करेंगे, तो 5 में से 15 गए तो माइनस का 10, 15 में से 15 गए 0, ये आपका 10 और ये आपका 20, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर निकाल लेंगे, d का स्क्वायर करेंगे 100, 0, 100 और ये 2 to the 4, 400, फिर हम f d स्क्वायर कर देंगे, और फॉर्मूले में यहाँ पर f करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर करेंगे तो एफ ये रहा और डी स्क्वायर ये रहा, तो ये आएगा आपका 200, 0, 400 और 400, इसको सम अप कर देंगे, ये रहा आपका 1000, फ्रीक्वेंसी का सम है आपका 10 और डी स्क्वायर का सम एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, एफ डी और निकालना पड़ेगा, एफ डी फ्रीक्वेंसी और डी, 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 20, 3 मल्टीप्लाई 0, 0, 4 मल्टीप्लाई 10, 40, 1 मल्टीप्लाई 2, 20, ये आपका आंसर आ गया 40। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर आपका कितना आ गया 1000 आ गया, एन कितना आ गया 10 आ गया, माइनस में एफ डी कितना आ गया 40 आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 100 और इसमें से इसको कैंसिल कर दिया, 4 जो आता है आपका 16 और 100 में से 16 आएंगे आंसर 84 एंड अगेन आंसर इज 9.165। बोलो आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं, इसी फॉर्मूले में बस डैश डैश और इनटू में सी कर देंगे, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर और इनटू में सी, इनटू में सी, ठीक है, ये इनटू में सी है, पूरा कर लेना। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, इसके बाद क्या करेंगे d निकालेंगे x माइनस a, 5 में से 15 गए तो माइनस का 10, 0, 10 और 20, इसके बाद हम क्या करेंगे d डैश निकालेंगे, d डैश निकालने फॉर्म होता है x माइनस a अपॉन में c, x माइनस a अपॉन में c बोलो चाहे d अपॉन में c बोलो, c कितना है 10, 10 का गैप है, माइनस 10 अपॉन में 10, 1, 0, 1, 2, इसके बाद हम d डैश का क्या निकालेंगे स्क्वायर 1, 0, 1, 4, फिर हम एफ डी डैश स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को डी डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 3 मल्टीप्लाई 0, 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 4, 1 मल्टीप्लाई 4, 4, और इसके बाद फिर हम एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ और डी डैश, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई 0, 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 4, 1 मल्टीप्लाई 2, 2, और इसका भी सम कर लेंगे, ये आपका रहेगा 10 और इसका रहेगा 4 और ये तो है 10। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दो तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आ गया d डैश स्क्वायर 10 अपॉन में 10 माइनस 4 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर और इनटू में c कितने का है 10 का। फाइनली आप इसको भी सॉल्व करोगे आंसर वंस अगेन 9.165 आएगा। देखो कैलकुलेशन करने में लगेगा टाइम, आप लोग खुद भी कर लोगे क्योंकि वैसे तो मैं ये होमवर्क दे रहा था बट मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत तो आगे ही मैं करा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया। लेकिन सर एक डाउट उठता है, वो डाउट ये उठता है सर आपने हमें कभी भी अभी तक ये नहीं बताया कि कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो दोस्तों कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और याद रखना कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मैं यहाँ पर छोटे से बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, किसी भी सीरीज से करोगे सब सीरीज में यही फॉर्मूला यूज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, जो आपने निकाला है 9.165 डिवाइडेड बाय 19 जो फिगर आएगी दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने हर जगह नहीं बताया, लास्ट में आके आपको बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सो गाइस यहां पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है और आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन अब इसमें अगर फॉर्मूले की शीट की बात करें तो फॉर्मूले की शीट आप खुद बना लोगे या मैं ही बना के दूं,
उम्मीद करता हूँ खुद बना लोगे, और खुद बनाने के बाद उसको कॉपी बनाना और उसकी एक फोटो लेना, और उस फोटो को क्लिक करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है अपना, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी दिखाओ कि हाँ आपने वाकई जेन्युइनली वो सारी शीट बनाई है या नहीं बनाई है, जिससे पता चलेगा हमारे बीच की कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी। मैं आपको गाइड भी कर दूंगा और आपको कोई चीज पूछूंगी, ठीक है। सो गाइस एक चीज और कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, दोस्तों वहां भी आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हम पैरेलली वहां पर भी नोट्स वाली सीरीज लेकर आए हैं, और आपको अगर प्रॉपर नोट्स बनाए तो आप वहां की वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।